तो फ्रेंड कैसे आप अपने लैपटॉप के अंदर व्हाट्सएप चला सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर भी व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने लैपटॉप के अंदर व्हाट्सएप चला सकते हैं, कैसे डाउनलोड करना है, सब कुछ जो है आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपको ये वीडियो कम्प्लीट देखना है। आप देख रहे हैं मैंने अपने जो है लैपटॉप के अंदर व्हाट्सएप को ओपन किया हुआ है। ऊपर की तरफ जैसे आपको अपने मोबाइल के अंदर प्रोफाइल दिखता है, वैसे आपको अपनी प्रोफाइल दिखेगी। साइड में यहाँ पर स्टेटस का ऑप्शन है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जिसने भी स्टेटस लगाया हुआ है उनका स्टेटस आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने कोई स्टेटस लगाया तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। उसके बाद जिससे भी आपको चैटिंग करनी है, सिंपली आपको सभी जो आपके फ्रेंड्स वगैरह सबको यहाँ पर आपको जो है दिखाई देंगे। जिससे भी आपको चैटिंग करनी है तो सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो है आप चैट कर सकते हैं। तो फ्रेंड अपने लैपटॉप के अंदर व्हाट्सएप चलाने के लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप के अंदर व्हाट्सएप को डाउनलोड करना पड़ेगा। वैसे एक और तरीका है जिसे आप बिना डाउनलोड किए भी व्हाट्सएप को चला सकते हैं, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। वो वाला वीडियो आपको ऊपर आई बटन में और वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपको बिना डाउनलोड किए हुए चलाना है तो। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने लैपटॉप के अंदर व्हाट्सएप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। तो फ्रेंड व्हाट्सएप को डाउनलोड करना काफ़ी इजी है। आपको सिंपली अपने लैपटॉप के अंदर गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। जैसे आप गूगल क्रोम को ओपन करेंगे आपको ऊपर सर्च बार पे क्लिक करना और टाइप कर लेना है व्हाट्सएप। टाइप करने के बाद आपको इसे सर्च कर लेना है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो व्हाट्सएप की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। फर्स्ट नंबर पर आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका जो होम पेज है आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। ऊपर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि फ़ोन्स के लिए करना है, फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड आईफोन के ऑप्शन मिलते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड फॉर विंडोज़ लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर डाउनलोड फॉर विंडोज़ 8 एंड हायर, यानी विंडो 8 के बाद जितनी विंडो है विंडो 10 और 11 उनके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, विंडो 7 के लिए आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है, 64-bit या 32-bit। अगर आपको पता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है लैपटॉप का तो आप इनमें से एक सेलेक्ट करके उसे डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता कि हमारे लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे चेक करना है। चेक करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना और टाइप करना है RAM, और आप जैसे ही RAM लिखते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू रैम इन्फो का, तो आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके लैपटॉप की सेटिंग्स जो है ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप देख रहे हैं सिस्टम टाइप के अंदर आपको जो है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पता चल जाएगा। तो आप देख रहे हैं मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64-bit है, तो यानी जो भी मैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर यहाँ पर 32-bit लिखा हुआ है तो आपको जो है 32-bit वाले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं। अगर आपका 64-bit है तो आपको 64-bit वाले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं। तो हमारा जो है 64-bit है तो मैं ऊपर वाले पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उसको देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में नीचे हमारा जो व्हाट्सएप है वो डाउनलोड लगना स्टार्ट हो गए हैं। अभी मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने पहले डाउनलोड करके रखा हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे इंस्टॉल करना है, तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। आपको सिंपली डाउनलोड करने के बाद अपने फाइल को ओपन करना है। फाइल को ओपन करने के बाद ऊपर आपको डाउनलोड्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका व्हाट्सएप यहाँ पर है, तो इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे जो भी इंस्टॉलेशन स्टेप होते हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। आपको पता ही है यस पे क्लिक करना है और जो भी परमिशन मांगेगा उसको अलाउ कर देना है। तो मैं फटाफट से जो है इसको अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं हमारे लैपटॉप के अंदर व्हाट्सएप जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे लॉगिन करना है और कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपको जो है इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अभी आपको करना क्या है फ्रेंड, आपको अपने मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है और जिस भी व्हाट्सएप को आप अपने लैपटॉप के अंदर चलाना चाहते हैं उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको ऊपर राइट साइड में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है
करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा थर्ड ऑप्शन लिंक डिवाइस का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है लिंक का डिवाइस, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे परमिशन वगैरह जो भी मांग रहा है उसको अलाउ कर देना है और इस QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कर लेना है। जैसे आप इसको स्कैन करेंगे तो आप देख रहे हैं हमारे लैपटॉप के अंदर जो है व्हाट्सअप यहाँ पर लॉग इन होना स्टार्ट हो जाएगा और आप जो है मेरे मोबाइल के अंदर भी देख रहे हैं यहाँ पर भी लॉग इन आ रहा है। तो अभी हम थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ सेकेंड के लिए वेट करना है। और आप मोबाइल के अंदर देख रहे हैं यहाँ पर विंडोज़ का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा विंडोज़ के अंदर जो है एक्टिव है हमारा। और फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे लैपटॉप के अंदर जो है व्हाट्सअप सक्सेसफुली जो है यहाँ पर चल गया है और अपने जो है लैपटॉप के अंदर आप इजीली इसको व्हाट्सअप को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है मेरे सभी कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिससे भी आपको चैटिंग करनी है आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप जो है कोई भी मैसेज यहाँ पर आप टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो वो मैसेज यहाँ पर सेंड हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर कुछ इमोजीज मिलेंगे, सभी जैसा मोबाइल के अंदर आप यूज़ करते हैं वैसे आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको कोई फाइल शेयर करनी है तो सिंपली आपको यहाँ पर फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, कोई फ़ोटो कॉन्टैक्ट्स डॉक्यूमेंट जो भी आपको शेयर करना वो आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आप देख रहे हैं ऊपर आपको अपनी प्रोफाइल दिखेगी, यहाँ पर आप स्टेटस देख सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो जो भी स्टेटस आपके व्हाट्सएप पर लगे हुए हैं वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आपने क्या स्टेटस लगाया वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं और इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। अभी फ्रेंड आपको यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मोबाइल के अंदर होता है वैसे आप सभी जो है यहाँ से सेटिंग्स वगैरह जो है चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं सारा सिस्टम जो है। जैसे आप मोबाइल के अंदर व्हाट्सअप को यूज़ करते हैं वैसे आप यहाँ पर अपने लैपटॉप के अंदर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से आप अपने लैपटॉप के अंदर व्हाट्सअप को डाउनलोड करके और इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको अगर आपको लॉग आउट करना है तो लॉग आउट करना काफ़ी ईजी, आपको सिंपली 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और लॉग आउट के ऊपर क्लिक कर देना है। या फिर आप अपने मोबाइल से भी लॉग आउट कर सकते हैं। मोबाइल से लॉग आउट करने के लिए आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करना है और ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है, नीचे लिंक का डिवाइस के ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी आप देख रहे हैं विंडोज़ के अंदर हमारा व्हाट्सएप एक्टिव है, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप लॉग आउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखना हमारे लैपटॉप के अंदर भी इसे ऑटोमेटिक जो लॉग आउट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली जो है यहाँ से लॉग आउट हो गया है। तो इस तरीके से आप जो है अपने लैपटॉप के अंदर व्हाट्सएप को चला सकते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा और यूज़फुल लगा होगा। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं फ्रेंड ऐसे एक और नेक्स्ट वीडियो में।